वीरवार सवेरे करीब 7 बजे कोटकपुरा दे विच डेरा प्रेमी नूं गोलियां मार के कतल कर दिता गया। इस हमले दे विच डेरा प्रेमी दे एक गनमैन सने 3 लोग जख्मी होए ने। घटना दा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिस दे विच कुछ लोग फायरिंग करदे होए नजर आ रहे ने। कतल कीता गया डेरा प्रेमी बेअदबी दे मामले दे विच मुलजम सी अते जमानत उत्ते सी। डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह नूं सिक्योरिटी भी मिली हुई सी। सो वीरवार सवेरे करीब 7 बजे कोटकपुरा दे विच डेरा प्रेमी नूं गोलियां मार के कतल कर दिता गया। इस हमले दे विच डेरा प्रेमी दे एक गनमैन सने 3 लोग जख्मी होए ने। घटना दा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिस दे विच कुछ लोग फायरिंग करदे होए नजर आ रहे ने। कतल कीता गया डेरा प्रेमी बेअदबी दे मामले दे विच मुलजम सी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ आज मॉर्निंग में कोटकपुरा दे विच, जिसमें एक व्यक्ति श्री प्रदीप सिंह तोदिया, जिनकी दुकान यहाँ पे है, वो अपनी सुबह दुकान खोलने आए और कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। उसमें 3 लोग और घायल बताए गए हैं। श्री प्रदीप सिंह दोदिया नाल उनका सुरक्षा कर्मी था, उसे भी रिटेलिएट करने की कोशिश की, उसको भी गोली लगी है, वो भी घायल है। और इसमें हमारे पास वाइटल क्लूड्स हमें अभी मिले हैं, कुछ सीसीटीवी हमारी सारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। मैं भी यहाँ मौके पे मौजूद हूँ और उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। कुछ हमें इसमें लीड्स मिली हैं, कुछ व्यक्तियों की पहचान हुई जो हमलावर है इसमें, और उस पर हम लोग लगे हैं। जल्दी ही उन हमलावरों को आइडेंटिफाई करके हम लोग उनको पकड़ेंगे। मेरी सबसे विनती है, सबसे अपील है कि आप टफ टाइम है पंजाब के वास्ते, सारे आप मिल के अमन शांति की अपील मैं कर रहा हूँ। आप सब मिल के इस टफ टाइम में आप हैंडल करेंगे। जेड़े भी बंदे पीछे हैं, जिन्ने भी हमला किया, जेड़े भी पीछे हैं, उन सब में छेते दी फड़ के कड़ी सजा दिलावेंगे। 7 बजे तो बाद दी गल है, 20 मिनट 7:20 ते वारदात है। 7:18 ते मैं अखबार लैन गया, जब मैं इतने आया वापसी च उत्थे पहुंचया, उदे मैनू खबर मिली है ते मैं इतने पहुंचया। इतने आके देखा तो बहुत तगड़ा हजूम सीगा। हजूम दे विच पता लग्या कि प्रदीप कुमार जो डेरा प्रेमी सी उहदी मौत हो चुकी सी, उहदे सिक्योरिटी गार्ड जख्मी सी, ते नाल ही साबका एम सी अमर कुमार जी, उन्हां दे भी 2 फायर वजन कारण उन्हां नूं भी एंबूलेंस दे विच लिजाया जा रहा सी। ਉਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਬੈਕ ਖੜਾ, ਬਲਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਚਕੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।